तो माशाल्लाह जी माशाल्लाह बहुत बड़ी दावत का तमाम किया जा रहा है, बहुत ही बड़ी दावत का तमाम किया। किस खुशी में किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, तरह बरकत जी। आप सब हमारी वीडियो के साथ लगे रहें, देखते रहें और हम आपको जरूर बताएंगे कि ये इतनी बड़ी दावत किस खुशी में हो रही है। वाह भाई, ये तरह बरकत की कर रही है माँ काम वेख लाड़ अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जनाब कैसे हैं आप, उम्मीद करते हैं आप ठीक ठाक होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद होंगे। अभी जनाब सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन 6:30 का टाइम होने वाला है और जनाब माशाल्लाह मौसम जो है ना वो जनाब क्यामत है, क्यामत ऐसे समझे। रात को जनाब ठंडी हवा, ऐसे लगता था जैसे ना सर्दी नहीं होती, सर्दी वो वाली जनाब लग रही थी। बाकी अल्लाह ताला करम करेगा इंशाल्लाह, आज आज मतलब दिन को या रात को फिर बारिश आ जाती है ना तो माशाल्लाह ज़बरदस्त काम हो जाएगा। तो आनी चाहिए, वैसे आनी चाहिए क्योंकि जो गर्मी का है ना तोड़ वो जनाब टूट जाएगा एक बार, बाकी अल्लाह ताला करम करेगा। एक हमारा भाई है रावलपिंडी से, भाई हमारा वो उनका चैनल है, चैनल का लिंक जो है ना वो हमने नीचे दे दिया डिस्क्रिप्शन में, आप उनके चैनल पर जाएं विजिट करें। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर दें, शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें, अपनी फैमिली वालों को भी बता दें कि ये चैनल है, इस तरह का चैनल है। अगर उस तरह के चैनल की वीडियो मतलब वो देखना चाहें तो वो ज़रूर जाएँ वहाँ पर। आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम, दुआ के जाना। मैं मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। सुबह सुबह उठकर यही काम होता है और तो कोई होता ही नहीं है, बस खाने पीने का, घर के काम, यही हर रोज की यही रूटीन होती है, वो करनी है, कर रहे हैं। तो अभी सालन गर्म करने के लिए रख दिया है तो मैं थोड़ी सी थक गई थी तो इसलिए बैठ गई हूँ यहाँ पे। माशाल्लाह माशाल्लाह खुदा की कुदरत, पानी है, सरसब्ज है, आगे जनाब सूरज है। सूरज देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है, बादलों के अंदर है, छोटे छोटे बादल हैं उनके अंदर मतलब ये सूरज है। तो बादलों के टुकड़ों में ना सूरज देखिए कैसा लग रहा है, आसमान देखिए यार, वाह जबरदस्त लाला जबरदस्त। ऐ थोड़ी रोज ही उखड़ जाती है, अगले दे गड्डी तुसी आज मोड़ तुसी ड्रामा की दिखाते ने ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੈ ਨਾ ਭਈਆ ਜੀ ਆ ਇਸ ਪਾਸੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਆ ਇਹ ਆਨ ਟ੍ਰੋਪਨ ਸ਼ਾਇਦ ਟੈਂਕੀ ਚ ਆਇਆ ਆ ਉਖੜ ਜਾਣਾ ਨਾ ਵਾਕੇ ਉਖੜ ਜਾਣਾ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਲਵਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਤੋਰੇ ਤੇ ਅੱਛੇ ਤੇ ਲਾਏ ਮੈਂ ਚਲੋ ਲੈ ਆਵੀਂ ਮੋੜ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮੋ ਆਸ ਗਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੋੜਾ ਭਾਜਣਾ ਨਾ ਯਾਦਾਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਾ ਮਿੱਠਾ ਕਰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਤੇ ਕਰ ਪੂਰੇ ਲੱਠੇ ਕਰ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲੈ ਆਵੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਅਭੀ ਦਾ ਸਹਿਰਾ ਬਰਕਤ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ दलिया बना रहे दलिया अम्मी के उधर गया था कल अम्मी के यहाँ तो वहाँ पे अम्मी ने अपने लिए दलिया बनवा कर रखा था गंदम का तो वहाँ से इतना सा लेकर आया। अच्छा अच्छा ये वाला उसे मुझे 4-5 मरतबा कहा कि अम्मी मुझे बना दे तो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो मैंने कहा चलो मेरी तबीयत बेहतर होती तो मैं बना दूंगी लेकिन अब मुझे बनाना नहीं आता लेकिन ये तुक्का लगाऊंगी जिस तरह का बन गया। इसमें घी भी डलेगा और चीनी भी डलेगी, जहाँ तक मैंने सुना ये गुड़ में बनता है। आज माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे घर जो है ना वो लालियाँ आ गई है क्योंकि ये कुएं के अंदर रहती थी, जब बच्चे इनके निकल गए फिर ये चली गई थी और अब दोबारा से फिर ये अंडे निकालने की ट्राई करना चाहते हैं मुझे लग रहा है। दलिया डाल पानी में डाल दिया मैंने, देखते हैं ये क्या होता है क्या नहीं होता क्या बनता है इसका, पानी कम है या ज्यादा है जो भी है अब वैसा आपकी किस्मत। थोड़ा होता फिर तो और पा ली वैसा, जनाब खुद माँ को काम पर लगा कर खुद सो रहे हैं जनाब। चीनी भी डाल देते हैं साथ में, ये भी जो पानी छोड़ेगी वो भी साथ ही खुशक हो जाएगा और इसमें घी भी डाल देते हैं कि साथ में पक जाएगी दोनों चीजें। हाँ कितने पहुंचे हैं आज, करना कि मुंजी नहीं है मकई नो मकई नो। इससे पहले मतलब 4-5 दिन जो है ना वो चावलों को मुंजी को स्प्रे वगैरह करते रहे धान की फसल को, लेकिन अब ये फसल मक्की को जो है ना वो मतलब करने लगे, उसको एक ना कीड़ी सी लग गई, एक भोंडी सी होती है वो उसका पत्ते वगैरह भी खाना शुरू कर देती है और एक कीड़ा होता है वो मतलब कि उनकी जड़ों को जो है ना वो खोखला कर देता है। तो उसके लिए फिर ना ये स्प्रे लेकर आए जो अभी आज भी करेंगे कल भी करेंगे, उसके बाद 2-3 दिन के बाद एक जहर होती है फिर वो ऊपर से डालेंगे तो मक्की माशाल्लाह ठीक हो जाएगी। मैं आपको बताता हूँ पहले क्या स्प्रे करते हैं, ये धान की फसल को पहले करते रहिए ये स्प्रे, अब जो मक्की है ना उसको ये स्प्रे जो ना वो करने वाले आपको दिखाऊं
यस यस, इधर दिखाएं, मुझे भी दिखाएं। एक ये जनाब मार्शल, ये मार्शल है और ये थोड़ी सी महंगी है। ये आई है तकरीबन 2350 रुपए की, आप प्राइस नजर आ रही होगी आप लोगों को, 2350 रुपए की एक ये आई है। और ये तीन लेकर आए, एक और होगी, और एक ये लेकर आए, इसकी पता नहीं कितनी, वो बता रहे 1500 कुछ बता रहे थे। तो इसको, इसको और इसको, इन दोनों को मिक्स करके मतलब ये इस्तेमाल करेंगे, जिससे वो बूटी वगैरह जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। और ये साथ में लाए ना वो टैंकी जो है ना उसकी आगे लगाने के लिए, क्योंकि मक्की को करने के लिए और तरीका होता है, धान को करने के लिए और तरीका होता है। ये 2500 का एक, यस 2500 का एक है लाला, खर्चे बड़े ने फसल। बारिश हुई और साथ ही जामुन ऊपर आना शुरू हो गए, ये हालांकि पहले नहीं थे। ये 1 2 3 4 हाँ जी, कितने पहुंचे हो? वाह भाई, ये थोड़ा और पा रहा मैंने, पतला नहीं है? अभी इसमें काफी सारी चीजें डाली जाती हैं, लेकिन बस मेरे पास कोई चीज भी नहीं है। वाह, बना मैं जामुन, इसमें दूध डालते हैं, दूध तो है नहीं, तो दूध के बगैर अच्छा नहीं बनता, मजेदार नहीं होता। तो ये तो बस ऐसे ही उसको खुश करने के लिए मैंने बना दिया है, कि वो नाराज होकर सो गया है मेरे साथ। मैंने कहा चलो उसको बना देती हूँ, खुश हो जाएगा। कल नजर नहीं आया तो सारा दिन किधर केड़ा तो सारे दिन सारी रात लदा रहे और तो दीगर पहले आया पेशी को आ गया 12 बजे सारे पेशी को मोर ज्यादा ले अगर शाम से के शाम के तरी दबा गई दीदी वाला ए अभी जनाब पीरवंश साहब कह रहे हैं जनाब ये जामुन जो है ना ये मुझे चाहिए, क्योंकि एक काम पहले लेकर गया था वो मतलब के माशाल्लाह ठीक हो गया, तो अब इसको ये भी करके देते हैं स्पेशल वाला। अच्छा फल और भी मिल गए, फुल्ला नु की करना है, अगले तो होए नहीं तेरे को। निकल जान बरकत की कर रही है मां दे काम वेख ला कैसा बना वैसा जबरदस्त, कोई नहीं जो पड़ा है उसमें इंशाल्लाह कल दूध और देसी घी डालेंगे, आप टेंशन ना लें। इसमें दूध हो, देसी घी हो और बादाम गरी मेवे जो भी चीजें हो सारी होनी चाहिए, इलायची होनी चाहिए, सब तो ये बड़ा मजेदार बनता है। अभी ये बस सादा सा ही है, बस फिर भी ठीक बन गया, नहीं सही लगे शेर तो ना जरा जनाब यहाँ पर मिट्टी डाली है, क्योंकि यहाँ पर वैसे नीचे थी और थोड़ा बहुत ना कचरा वगैरह भी था, वो मतलब हटा दिया है और यहाँ पर मिट्टी वगैरह डालकर ऊपर मतलब पानी थोड़ा बहुत फेंका है। यहाँ पर थोड़ी और नीचे लग रही थी, पानी फेंकने के बाद फिर मुझे वो नजर आई है, तो उसके ऊपर फिर मैंने मिट्टी डाल दी। अब ये यहाँ से सीधी जनाब ये लेवल बन चुका है बड़ा ज़बरदस्त वाला, तो इंशाल्लाह एक हफ्ते डेढ़ हफ्ते के अंदर अंदर ना इसका कोई हिसाब किताब लगाते हैं सही तरीके से, तो यहाँ पर कुछ बेहतर करते हैं यार। कोई ना कोई आता है ना तो वो कहता है यार कैसे बैठे हैं आप, और वीडियो में आप लोग भी कमेंट्स करते रहते हैं कि अच्छा नहीं लगता फिर, तो इंशाल्लाह एक हफ्ता है बस, एक हफ्ते के बाद आप देखेंगे वाकई यहाँ पर कुछ चेंजिंग होगी, ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ हो जाएगी इंशाल्लाह। तो जी दलिया जो है वो हमने खा ली थी माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा अच्छा बना हुआ था। तो अभी शाम का टाइम हो चुका है और मम्मा जी है ना वो खाने का बंदोबस्त कर रही। मम्मा जी क्या बना रही हैं आप? मैं बना रही हूँ मूंगी की दाल और साथ में रोटी तो जी खाद की जो है बोरियां ना वो फिर आ चुकी हैं, देख सकते हैं पहले जो खाद की बोरियां थी वो डाली थी ये चावलों को, और अब जो है ना वो डालने लगे हैं मकई को। ये खाद की बोरी इसमें क्या है? ये तो वैसी नहीं है। कैसी नहीं है? वो पक्की है ना, थोड़ी गिली गिली होती ना, किसी हो जाता है। पापा जी आप ये कब डालेंगे चावलों को? चावलों को जनाब एक हफ्ते के बाद, एक हफ्ते के बाद फिर डालेंगे, वो एक और खाद होती है वो डालेंगे इसको, अभी स्प्रे करेंगे और सोना यूरिया जो है ना वो कल तक इन्होंने डाल दी टोटल। तो वो क्या कहते हैं एक हफ्ते के बाद डालते हैं, हर एक हफ्ते के बाद तकरीबन ऐसे ही समझे वो 20 बोरियां, 3 एकड़ को 3 बोरियां डालेंगी, मतलब एक हफ्ते फिर दूसरे हफ्ते फिर तीसरे हफ्ते फिर इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी आ जाएगी, अपने अरूज पर काट लेंगे फिर। तो जी मम्मा जी है ना वो अभी आग दिलाने लग गई है
हाँ जी, आग जलाने लगी हूँ, असर की अजान हो चुकी है, तो दाल वगैरह साफ कर ली है मैंने, मसाला भी बना लिया है। तो मैंने सोचा है कि दाल जो है वो रख देती हूँ ऊपर और फिर नमाज अदा कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर बाकी जो है खाने का वो इंतजाम कर लेंगे, आटा वगैरह गूंद लेंगे। अभी मैंने इसमें सारे पानी में दाल भी डाल दी है, नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, खुश्क धनिया और प्याज, अदरक, लहसुन, सब चीज़ें जो है ना वो मैंने काट कर इसमें ऐसे ही डाल कर ऊपर रख दिए, क्योंकि जो है ना इस तरह से बन जाएगी, बड़ी मज़ेदार बनती है। दूसरी तरह भी हम तड़का लगा कर भी बनाते हैं, वो भी मज़ेदार बनती है और ये भी बहुत मज़े की बनती है। क्योंकि वैसे आप थे नहीं, वो आपको लाजमी दिखाना था ये सारी चीज़ें जो मैंने डाली हैं और किस तरह से डाली हैं। जितनी हमारी दाल है उस मकदार से हमने सारी चीज़ें डालकर अब इसको बंद कर देते हैं, ये पक्की रहेगी और मैं साथ में नमाज अदा कर। तो जी, काम करने के बाद पापा जी अब वो नहा रहे हैं, मैंने नहा लिया और जो ये बाकी काम है वो कल करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हमें नहा लिया है भाई, वो काम करके नहा रहे हैं भाई, छापड़ के साथ शैम्पू हमारा खत्म हो गया है, शैम्पू हम कल ले आएंगे, एक रात सालों के साथ गुजारा कर रहे हैं हम। ओ शिला शेरू है, किधर गए हैं, किधर गए हैं, गंदिया ना यो आप ही। तो जी, इसे हम खुद नहलाते तो इसने जो है ना सारा मिट्टी मिट्टी हो जाना, तो अब ये खुद गया है नाले पे, उधर नहा कर आ चुका है। दाल हमारी जना 50% जो है ना वो जना बन चुकी है, इसके अंदर छोटी काट है यार, बड़ी काट है, खेडी है मिर्च कट्टी जाना पुत्र, इधर वेखियां डंगरा खानिया ने, गलिया गोले कोई होने, एंड पांच मिनट बाद ला लेनी, बिल्कुल बरीक कट, इन्हें बिचू चीर लेना मुड़ बरीक बरीक कट। हां जी, ये एक दो तीन, तीन डालनी चौथी डालनी, तीन से ज्यादा नहीं वरना आहो आहो हो जाएगा। तो जी, दाल हमारी देखे बन चुकी है, आज मैंने कुक की है दाल, देखते हैं कैसी बनी कैसी नहीं। देख लेते हैं उस्ताद, तेरी कुकड़ी है ना आज, आज पता चल जाए। सालन हाथ ला दे, आज बड़ी मजे की बनी, सारी मैंने इसमें डाली है और ये सिर्फ इन्होंने ध्यान दिया है, ये आग जलाते रहे और इसका ख्याल रखा है कि नीचे से लग ना जाए, तो ये जी इन्होंने कुकिंग की है, लेकिन बहरहाल माशाल्लाह वैसा आपने की है जी, बिल्कुल नहीं, मैं तो किसी पास ही कोई नहीं आता। क्या होता है जब डालना कुछ और होता है और पकाना कुछ और होता है, आज मेरे हाथ लगे, देखे कैसी बनती है। चलो जी, देख लेने देख लेने। तंदूरी हमारी जल चुकी है और मगरिब की अजान भी होना शुरू हो गई है, तो अभी जल्दी जल्दी से रोटियां लगाते हैं और फिर नमाज भी अदा करनी है, कहीं ऐसा ना हो कि नमाज लेट हो जाए, सुबह हो जाए, तो बस अभी जल्दी से रोटियां लगाते हैं। जैसा कि आप लोगों को बताया हुआ था, पहले ही बताया था कि हमारे आबिद भाई, उनके यहाँ बेटा पैदा हुआ है, 10 साल के बाद 5 बेटियों के बाद बेटा पैदा हुआ है, तो वो जनाब बहुत बड़ी दावत करें, बहुत बड़ी दावत करें और इनवाइट किया है हमें भी उन्होंने, हो सकता है कि इधर ही दावत हो, इसी मतलब के एरिया में, ये जो इलाका है ना, यही वाला इलाका इधर खुले मैदान में, और ये भी हो सकता है कि सबका घर है इसलिए यहीं पर हो सकता है, यहीं पर दावत हो, अब देखते हैं यहाँ पर होती है या उनके घर जाते हैं, ये अब अभी थोड़े दिनों तक पता चल जाएगा, एक दो दिन तक, थोड़े दिनों तक कह रही हूँ, कल परसों तक पता इंशाल्लाह चल जाएगा। हाँ बिल्कुल, बाकी दावत माशाल्लाह बहुत बड़ी हो रही है, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना 10 साल के बाद 5 बेटियों के बाद बेटा पैदा हुआ, तो उनको बहुत ज्यादा खुशी है, तो वो कह रहे थे हमने बहुत बड़ी दावत करेंगे, माशाल्लाह सब कुछ खुला होगा, तो बहुत खुशी हुई, हमें भी बहुत खुशी हुई कि खुदा ने उन्हें बेटे से नवाजा, बेटियाँ भी खुदा की रहमत होती हैं, लेकिन फिर भी बेटा तो होना चाहिए ना एक आधा, तो अल्लाह ताला ने उनको चलो देर से ही दिया लेकिन दिया। वो आज थोड़ी देर पहले ये खाद रखने के लिए आए थे रेडी के साथ, तो उनसे मतलब की बात हुई, काफ़ी खुश थे, काफ़ी ज़्यादा खुश थे, मतलब कि इस तरह की खुशी मैंने पहली बार उनके चेहरे पर देखी है, पहले मतलब खुशी तो होती है, काफ़ी होती है, लेकिन वो एक बेटे की खुशी जो थी ना, वो यकीन मानो पहली बार उसके चेहरे पर देखी मैंने। बिल्कुल ऐसे ही है, बेटियां जैसे कि अल्लाह की रहमत है, तो बेटे जो है वो अल्लाह की नेमत है, तो इसलिए इंसान खुश तो होता ही है, बेटियों के लिए भी बेटों के लिए भी बहुत ज़्यादा खुश थे माशाल्लाह, अल्लाह उनको ये खुशी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। माशाल्लाह जी, 1, 2, 3 तीन रोटियां हमारी बन गई हैं, चौथी, पांचवी और छठी रोटी हमारी लगी हुई है, और सातवीं रोटी जो है हम बना रहे हैं, इनमें से तकरीबन एक जो है ना वो डाउस के लिए, शेरू और शीला के लिए, बड़ी वाली रोटी उनके लिए, ये वाली, यस हाँ, तो बाकी जो है ना वो हम खा लेंगे, नो टेंशन, क्यों ऐसा। तीन तो मम्मा ने खानी है, तीन मम्मा खाने है, दो आपने खानी है, तो एक मैंने खा रही है, मैंने कितने कितनी खानी है। तो की गल है तेरी माँ आज, आजकल बड़ी परेशान परेशान रहती है। पापा जी, मेरी माँ क्या खा, वो लितर मारे पुत्र, सही है, मेरी माँ मारे, हाँ
खाना रेडी हो चुका है और तेरा बरकत कह रही मैंने नहीं खाना। तेरा बरकत क्या बात है, क्यों नहीं खा रही फिर भी? नहीं होता है ना कोई मसला मसाल, फिर भी बताया ना कोई मसला, कोई तबीयत खराब है तो आप डॉक्टर के पास चले जाते हैं। नहीं मेहरबानी, चलो जी अवैध साहब की दाल बनी हुई आज देखते हैं कैसी बनी है। चलो देख लेने, कहते हैं शाम को प्याज नहीं खाने चाहिए, बाकी बस कर फिर बाकी कट लो सारे कट लो, ये दोपहर नु मतलब सही रहने, रात नु नहीं होंगे सही क्योंकि हजम थोड़े लेट होंगे ना, तो रात नु फिर बंदा सुता होंगे। चलो सही है, चलो वैसा पहले आप अपना सालन खुद चखें कि आपको कैसा बनाया, फिर हम देख लेंगे ना आपके चेहरे से पता चल जाएगा हमें। नहीं अच्छा बना हुआ सालन, मैंने नमक चेक किया था। इधर बेस मिला मैं पढ़ लिए मिला पड़ी दिल दिल ज पड़ी है दिल ज पड़ी है तारा बरकत, अब तारा बरकत चखने लगी है सालन। वो जना पास हो चुके हैं सालन पकाने में, तो आज के बाद जो है ना अवैध साहब की ड्यूटी लगी पक्की पक्की सालन बनाने में, तो इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं क्योंकि मैं भी खा लूं, तो जिंदगी तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे फिर अच्छी सी प्यारी सी वीडियो तब। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह के बाद अपना ख्याल रखें, दोस्तों का ख्याल रखें, हमें तो हमें जरूर रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।